नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर की घुघरी। तो आपको पता है मटर का सीजन खूब चल रहा है, तो आज हम मटर की घुघरी बनाएंगे। उसके लिए हमने एक कटोरी मटर लिया है और आलू को हमने ऐसे पीसीस में काट लिया है, आप देख सकते हैं चौकोर पीसीस में ऐसे। और ये धनिया है, मिर्च, लहसुन, अदरक। तो हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो हमने गैस ऑन कर दिया था, कढ़ाई रख दिया था, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, हमारा जीरा चटक चुका है। तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे, इसी के साथ हम अदरक डाल देंगे। और इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, इसी के साथ हम आलू डाल देंगे। आलू डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आलू को 5 मिनट भून के फिर हम इसमें मटर डालेंगे। देख सकते हैं आलू हमारा भून गया है। आलू को हमने 5 से 10 मिनट भून लिया था अच्छे से। तो हम इसमें अपना मटर डाल देंगे। आप चाहे तो खाली मटर का भी बना सकते हैं इसी तरीके से, पर आलू डाल के भी बना सकते हैं। हम आलू डाल के बनाते हैं क्योंकि हमारे घर हर चीज़ में लोग आलू खाना पसंद करते हैं। आलू इन लोग का फेवरेट है, आलू डालना पसंद करते हैं ज़्यादा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप करके मत देखिए, तभी आपको वो रेसिपी समझ में आएगी। तो इसको हम चला के 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो हम खोल के देख लेते हैं इसको। तो इसमें हम नमक डाल देंगे, हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, देख सकते हैं 1.5 चम्मच नमक डाले हैं। हल्दी नहीं डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। हल्दी डालने से सब्जी जैसा कलर आ जाएगा, इसलिए हम हल्दी इसमें नहीं डालेंगे, बिना हल्दी के ही अच्छा लगेगा ये देखने में। और हम हरा धनिया डाल देते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो करके हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं फिर से। तो हम इसको अब देख लेते हैं खोल के। पाँच मिनट हो गए हैं, तो घुघरी हमारा हो चुका है, देख सकते हैं पक गया है। आपको दबा के हम दिखा देते हैं आलू, देखिए आलू हमारा पक गया है और घुघरी हमारा हो गया है। तो हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारी घुघरी हो गई है, हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं हमारे घुघरी का कलर कितना अच्छा है। आप लोग भी ऐसे ही बनाइए। हमने इसमें प्याज नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि प्याज डालने से ये सब्ज़ी जैसा हो जाएगा। इसमें सब्ज़ी प्याज नहीं डाले हैं। आप
लोग का मन करे तो आप लोग डाल सकते हैं, हम नहीं डालते हैं, देख सकते हैं। तो हमारी घुघरी देखिए पक चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए और खाइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये घुघरी बनाए कि नहीं। मटर का सीज़न खूब चल रहा है और आप लोग ज़रूर से बनाइए, क्योंकि मटर खाली सर्दी में ही मिलता है और गर्मी में भी मिलता है, पर सर्दी के जो ताज़े मटर आते हैं छील के खाते हैं, छिलके में से उतार के, वो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आप लोग भी बनाइएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है घुघरी, और आलू डाल के बनाएंगे तो और अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर से। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बाय।